ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे इस तरह से मत, और यकीन करो मेरा, अल्लाह का कसम मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं गई, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। बस करो रजिया, भी तुम्हारी किसी बात पे हमें यकीन नहीं है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, समझे तुम। ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तनवीर जाओ यहाँ से, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वैसे नहीं मानेंगी ना रजिया भी, जाओ यहाँ से। हाय अल्लाह, इसके तो बाल ही नहीं है। बीच में से उड़ गए। या अल्लाह भी, हाय तुम इतनी बुढ़ी कब से हो गई। तनवीर ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से मत निकालो, सारे लोग देखें। फिर से वही बात, मैं कहाँ जाऊँ। एक बार हमने कह दिया ना, इस घर से निकल जाओ। हाँ दोबारा इस घर की तरफ देखना मत, जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। तनवीर ऐसा जाओ यहाँ से। तनवीर तनवीर पूरा एपिसोड देखिए Zee 5 पर। कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो मुझे अम्मी अब्बू के गुजरे हुए कल के साथ जोड़ सकती है। क्या हो? कुछ नहीं। तो फिर यूं रो क्यों रही हो? मैं खाना कुछ नहीं हुआ, वैसे भी आप पूछ ही क्यों रहे? हस्बैंड हो तुम्हारा, आज मुझे मेरे अम्मी अब्बू के बारे में एक बहुत बुरी खबर पता चली। बुरी खबर? मुझे नहीं पता वो बात सच है या झूठ है, लेकिन अगर वैसा कुछ हुआ है तो मेरे अम्मी अब्बू के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? मुझे मेरी बड़ी अम्मी बताती थी कि अम्मी अब्बू का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ, लेकिन आज किसी बाबा ने मुझे बताया कि वो रोड एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, वो किसी साजिश का शिकार हुए थे। आपको पता है आज मेरी अम्मी का मत है, और आज के दिन मुझे उनके बारे में इतनी बुरी खबर पता चली। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? कौन है? हमारे पैर छोड़ो, कौन है? तनवीर ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे यहाँ से मत निकालो। अल्लाह कसम मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं से तुम जो कहोगी मैं करूंगी, अच्छा बुरा सब कुछ करूंगी तन्वीर, सब कुछ करूंगी। अल्लाह ने सब कुछ मुझसे छीन लिया तन्वीर, अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी तन्वीर। देखो मैं तो अब अपनी बेटी के पास भी नहीं जा सकती, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि उस हादसे के बाद मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। अब से लेकर आज तक इतने सालों से मैं तुम्हारी खैरात पर पल रही हूँ तन्वीर, वरना मैं तो गली गली भीख मांग रही होती, तुम जानती हो ना अच्छी तरह से। तन्वीर मेरे साथ इतने सालों में अब कुछ नहीं गुजरा, मैंने क्या क्या नहीं सहा। देखो ना वक्त की बहुत मार रही है मुझ पर हर बार, किस्मत ने मेरा कभी भी साथ नहीं दिया इतने सालों में। यहाँ तक कि मैं जहाँ रहती थी ना वो आग लगने की वजह से छत मेरे ऊपर गिर गई और मेरा देखो क्या हाल हो गया। ये सब छोड़ो, सिर्फ मेरी एक बात पर यकीन करो, मैंने सनम को कुछ नहीं बताया। अल्लाह कसम मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं जो हाथ मुझे निवाला देते हैं तन्वीर, मैं उनको काटने की कोशिश करूंगी क्या? देखो मेरा यकीन करो तन्वीर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ठोकर मत मारो। हाँ, ठीक है आप यहाँ रह सकती हैं, आज से आप नौकरों के कमरे में रहेंगी। नौकरों के साथ? हाँ भाई वो क्या है ना, अक्सर लोग बड़े घर में रहते रहते अपनी औकात भूल जाते हैं, तो जब आप नौकरों के कमरे में रहेंगी तो आपको अपनी सही जगह याद रहेगी। अगर कबूल है तो बोलिए, वरना कबूल ठीक है। सालगिरह मुबारक हो अम्मी। अम्मी मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको जान नहीं पाई। आप कैसे हंसती थी, कैसे बोलती थी, पर अम्मी आज आपकी सालगिरह वाले दिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बारे में सब कुछ जान के रहूँ। आपकी और अब्बू की मौत कैसे हुई ये भी, क्या आप दोनों की मौत वाकई में एक साजिश थी? अगर थी तो मैं उसकी तह तक जाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। पूरा एपिसोड देखिए Zee 5 पर।